गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि YouTube के वीडियो के ऊपर जो थंबनेल बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगा, जिसके चलते आप 2 से 3 मिनट के अंदर बहुत ही अच्छा सा थंबनेल बना पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, मैंने कुछ थंबनेल बना रखे हैं। ये देखिए, एक थंबनेल बना हुआ है। ये जो बना हुआ है वो कम्युनिटी टैब में कुछ पोस्ट करने के लिए हैं। लिंक डालकर इस तरह का पोस्टर हम डाल सकते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं आप कमेंट करके बताइएगा कि कम्युनिटी टैब का जो पोस्टर है वो कैसे बनाना है, इसकी साइज़ क्या होती है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं। तो ये देखिए, एक थंबनेल ये बना हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इजीली थंबनेल कैसे बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका फ्री का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो मैं थंबनेल बनाता हूँ वो मैं बनाता हूँ पिक्स आर्ट में। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और सिंपली ये जो पिक्स आर्ट है आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद दिखाई देगा पिक कैनवास, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अलग अलग साइज़ दिखाई देंगी, तो आपको यहाँ पर लास्ट में जाना है और लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम, तो आप कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो विड्थ लिखा है उसके अंदर 1280 और हाइट 720 कर लीजिए। इसको आप एक कागज़ पर नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके जो थंबनेल की साइज़ है वो 1280:720 होती है। 1280 और 720 इसकी जो विड्थ और हाइट है लेनी है हमें। और उसके बाद हम ओके कर देंगे, फिर इस एरो पर क्लिक करेंगे। अभी हमारा इस तरह का ओपन हो जाएगा। एक बार फिर ऊपर एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा है एडिट इमेज नीचे, तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब हमें इसके ऊपर एक बैकग्राउंड लेना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे ऐड फोटो और यहाँ पे लिखा है फ्री इमेजेस, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम प्लेन बैकग्राउंड, HD बैकग्राउंड, जिस पर भी आप क्लिक करोगे आपको बैकग्राउंड दिखाई देंगे। चलो यहाँ पर मैं HD बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं जो मुझे अच्छा लगता है वो एक बार बैकग्राउंड में ले लेता हूँ। ये ब्लैक वाला एक बार हम ले लेते हैं। ये ब्लैक वाला बैकग्राउंड यहाँ पर आ गया, इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अब ऊपर देखिए, ऊपर ये जो सिंबल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर देंगे, तो ऐसा का ऐसा एक बार और आ जाएगा। तो इन दोनों को हम यहाँ पर लगा देंगे, इसको हम इस तरह से रिवर्स घुमा देते हैं ताकि ये साइज मैच कर जाए। ये देखिए, हमने इसको लगा दिया। अब एक काम करते हैं, इसकी हम बॉर्डर भी लगा देते हैं। ये रहा बॉर्डर, और इस बॉर्डर को थोड़ा सा हम पतला कर देते हैं। ये लग गई इसकी बॉर्डर। अब सपोज करते हैं कि हम वीडियो बना रहे हैं, हमारे वीडियो का टाइटल है कि फेसबुक पर 3D फोटो कैसे लगाए जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ऊपर लिखना पड़ेगा बड़े अक्षरों में फेसबुक 3D फोटो। ये लिख लिया आपने, यहाँ से आप अपने मन चाहे फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, यही फॉन्ट रहने देते हैं। स्ट्रोक में जाएंगे और इसका मैं रेड कलर कर लेता हूँ स्ट्रोक का, और इसको मैं बड़ा कर लूँगा ऐसे। अंदर वाला जो वाइट कलर है उसको अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं येलो से, आपके मनपसंद कलर से आप कर सकते हैं। स्ट्रोक को थोड़ा सा कम कर देते हैं। फेसबुक 3D इसको हमने यहाँ रख दिया। अब दोस्तों, हमें एक मोबाइल की फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी। हम जाएंगे इरेजर का एक मेरा फोल्डर है और यहाँ पर हमने ये देखिए, ये डाउनलोड करके रखा है PNG इमेज,
आप गूगल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी इमेज लिखें और उसके आगे लिख दें PNG, तो इस तरह का बैकग्राउंड के बिना की आपकी इमेज आ जाएगी। और अगर नहीं आती है तो आप एक बैकग्राउंड इरेजर वाला ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर लॉर्ड फोटो में जाइए और आपने जो इमेज डाउनलोड की है मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। सपोज करते हैं कि हमने ये वाली इमेज डाउनलोड की है और इसका बैकग्राउंड हमें हटाना है, PNG इसको बनाना है, तो ऑटो में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वाइट वाला बैकग्राउंड जो है वो हट जाएगा। ये देखिए ये PNG इमेज बन गई। और करके बता देता हूँ, किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हटाना बहुत आसान है। ये देखिए यहाँ पर अगर वाइट का आपको बैकग्राउंड हटाना है वाइट वाला, तो इसको यहाँ से ये कर दीजिए, ये पूरा अंदर वाला वाइट हट गया, तो रिपेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ जहाँ अंदर का बैकग्राउंड हटा है उसे वापस इस तरह से फिल कर देंगे। ये देखिए ये PNG बन गया। इसी तरह से अगर आपने कोई मोबाइल इस तरह का डाउनलोड कर रखा है तो इसको आप यहाँ से कट कर सकते हैं, या PNG इमेज बनाना सीख जाइए क्योंकि ये बहुत काम आएगा। और इस तरह से आप क्लिक कर करके जो एक्स्ट्रा कलर्स वगैरह हैं उनको आप हटा सकते हैं। ये देखिए सारे कलर जो हैं वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, ये देखिए। और बाकी ये जो रह जाता है उसमें मैन्युअल में जाके इस तरह से आप सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर देवें और बहुत ही सफाई के साथ में इस तरह से आप काट लेवें। और काट के ये देखिए मैंने ये बनाया है, इसी तरह से काट के बनाया है, तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे 3D इमेज लगा रहे हैं, तो यहाँ पर फेसबुक पर 3D इमेज हमने जो अपलोड की है, तो ये देखिए फेसबुक पर एक 3D इमेज हमने अपलोड की है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि ये स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर लगा देंगे। इस मोबाइल के ऊपर हम ये स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, ये वाला। ये थोड़ा बहुत अंदर बाहर हो रहा है, तो इस स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करके ये जो इरेजर है उसको ले लेंगे और ये जो किनारे हैं जो बाहर जा रहे हैं उनको इस तरह से इरेज कर देंगे। ये देखिए ये किनारा भी बाहर जा रहा है और ये अंगूठे के ऊपर आ गया था, तो इसको भी हम यहाँ से, अब ये लगभग मोबाइल में ऐसा दिख रहा है। अब ये जो वीडियो है वो फेसबुक के बारे में है, तो हम जाएंगे गूगल पर और गूगल पर जाकर एक फेसबुक का वॉलपेपर डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे इमेज के अंदर, पहला जो फर्स्ट वाला है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। और डाउनलोड करने के बाद वापस जाएंगे पिक्सआर्ट में और यहाँ से ऐड फोटो में जाएंगे, ग्रीन वाला ये लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पर बड़ा आ गया 3D, और यहाँ पर हिंदी में लिख देते हैं फ़ोटो, ताकि जो हिंदी में पढ़ने वाले हैं उनको ये सिंबल देख के और ये जो फ़ोटो लिखा हुआ है ये देख के समझ में आ जाए कि ये वीडियो कौन सा है। और कलर हमेशा येलो लें या इस तरह के लें जो दूर से दिखाई दें। और अब यहाँ पर आपका जो फेसबुक का ये हमने डाउनलोड किया है इसको थोड़ा सा काट देते हैं, इसे छोटा कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर छोटा करके लगा देते हैं और हिंदी में लिख देते हैं फेसबुक।
तो दोस्तों ये देखिए हमारा प्यारा सा थंबनेल जो है वो सेव कर देंगे, यहाँ से बन चुका है। अब आप इसे अपलोड करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं वीडियो के ऊपर, तो YT स्टूडियो जो ऐप है उसे डाउनलोड करें, यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको वीडियो दिखाई देगा हाउ टू अपलोड। ये देखिए अभी ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर थंबनेल लगाया हुआ है, यहाँ पे आपको वीडियो दिखाई देता है, वीडियो के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर ये वीडियो के ऊपर पेंसिल आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर एक बार पेंसिल है उसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर नीचे लिखा है चेंज, तो इसके ऊपर क्लिक करें। और आपने जो ये बनाया है अभी इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेवें और फिर यहाँ से सेव कर लेवें। ये देखिए अब आप देखेंगे कि हमारा ये जो पुराना वाला था ये चेंज हो जाएगा, नया वाला यहाँ पर आ गया। ये देखिए नीचे आप देख सकते हैं कि नया वाला आ गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका YouTube से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।